क्यूटीज, इट्स मी प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ मेरे बर्थडे गिफ्ट। एंड गाइस, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ वो गिफ्ट शेयर किया था जो आप सब ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पर। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड आज मैं ये वाले गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ जो दिए हैं मुझे मेरे फ्रेंड्स ने। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये वाले गिफ्ट की। आप पैकेजिंग देख सकते हो यार, पर्पल कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे कि मेरी फ्रेंड ने क्या भेजा है मेरे बर्थडे पर। तो देखते हैं इसको ओपन करके इसमें क्या होने वाला है। यार, आप में से गिफ्ट किस किस को अच्छे लगते हैं? गिफ्ट तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार गिफ्ट। तो इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से, इसके अंदर क्या होने वाला है। यार, गिफ्ट खोलने में टाइम कितना लग जाता है ना, पता नहीं कितनी पैकिंग की होती है ऊपर से, बहुत टाइम लग जाता है। ओह माय गॉड, वाओ, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर क्या है। देखते हैं ओपन करके। माई गॉड, तो मुझे अब समझ में आया, वो मुझसे मेरी फ्रेंड पूछ रही थी यार तुम शैम्पू कौन सा यूज़ करती हो, तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे गिफ्ट करने वाली है। वो तो ये पूछ रही थी कि तू शैम्पू कौन सा यूज़ करती है। यार, मुझे भी वही शैम्पू यूज़ करना है, बट मुझे ये नहीं पता था वो बर्थडे पर ये गिफ्ट करने वाली है मुझे। यार, तो गाइस, मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ लॉरियल एक्सपेंसो के ही सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, और इसके अंदर लॉरियल के प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर शैम्पू, लॉरियल एक्सटेंजो का है शैम्पू, वही मैं यूज़ करती हूँ और इसीलिए वो मुझसे पूछ रही थी गाइस। तो ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ एंड मुझे नहीं पता था वो मुझे गिफ्ट करने वाली है, इसलिए वो मुझसे पूछ रही है कि तू शैम्पू कौन सा यूज़ करती है। तो इसके अंदर है एक शैम्पू और सेकंड वन प्रोडक्ट है इसके अंदर हेयर सीरम। तो आप देख सकते हो सेकंड प्रोडक्ट है इसके अंदर लॉरियल एक्सटेंजो हेयर सीरम, और थर्ड वन है इसके अंदर हेयर मास्क। तो यही तीनों प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, और यार मुझे नहीं पता था वो सच में ऐसे गिफ्ट करेगी। यार, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू यार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट। यार, सच में बहुत ही यूज़फुल सा गिफ्ट है, बहुत काम का गिफ्ट है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। एंड इसके अंदर थे थ्री प्रोडक्ट्स, तीनों ही थे लॉरियल एक्सटेंजो के, और मुझे इसकी पैकिंग बहुत प्यारी लगी गाइस। थैंक यू माय डियर फ्रेंड मुझे क्यूट सा गिफ्ट देने के लिए, थैंक्स अ लॉट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम ओपन करके देखते हैं ये वाला गिफ्ट। तो ये भी यार बहुत क्यूट सा लग रहा है, मतलब आप गैस करो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या हो सकता है यार। तो इसको ओपन करके देखते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या होगा। यार, गिफ्ट खोलने में कितना मज़ा आता है ना सच्ची, मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार। तो देखते हैं इसमें कौन सा गिफ्ट होने वाला है, सरप्राइज। ओह माय गॉड, इसके अंदर मतलब और रैप किया हुआ है यार। ओह माय गॉड, अभी ये और रैप किया हुआ है, क्या हो सकता है यार इसके अंदर। ओपन करके देखते हैं जल्दी से, फटाफट ओपन हो जा। आई थिंक इसके अंदर यार कुछ दिख रहा है मुझे, इसके अंदर क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो ये है नाइट क्रीम, जॉयस की नाइट क्रीम। ओके, तो ये है नाइट क्रीम, इस एवोकाडो नाइट क्रीम। ओके, तो इसको ओपन करके देखते हैं। मतलब यार, नाइट क्रीम मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं मोस्टली एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ रात को सोने से पहले। तो देखते हैं ये नाइट क्रीम कैसी है, मतलब मैंने पहले कभी यूज़ नहीं की है। तो इसके अंदर से पैकेजिंग आप देख सकते हो, अंदर से बिल्कुल ऐसी है इसकी पैकेजिंग। तो ओपन करके देखते हैं यार, वाओ, कितना क्यूट सा बॉल निकला है गाइस इसके अंदर से, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, बहुत प्यारी थी। इसकी फ्रेग्रेंस देखते हैं कैसी होगी। तो मैंने कभी नाइट क्रीम यूज़ नहीं की है यार, मैं एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ बस, सारा कुछ मैं अपने फेस पे नहीं लगाती यार। तो इसको ओपन करके देखते हैं। ओके गाइस, तो ये है नाइट क्रीम, तो इसको मैं यूज़ करके देखूँगी, फिर इसके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसी है। बट यार, मुझे बहुत अच्छी लग रही है देखने में, जॉयस की एवोकाडो नाइट क्रीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार। तो मैं इसको यूज़ करने के बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो ये भी गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा यार, यूज़फुल सा गिफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, थैंक यू माई डियर फ्रेंड, लव यू। तो अब देखते हैं नेक्स्ट गिफ्ट कौन सा होने वाला है। यार, गिफ्ट कितने अच्छे लगते हैं सच्ची में, मुझे बड़ा मज़ा आता है गिफ्ट ओपन करने में।
एंड नेक्स्ट मैं ओपन करने वाली हूँ ये वाला गिफ्ट। तो यार इसकी पैकेजिंग ही मुझे बड़ी मस्त लग रही है, मुझे दिख रहा है, पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं, तो आपको दिख रहा है इसके अंदर मुझे लगता है कुछ बॉर्डर्स वगैरह है। यार इसकी पैकेजिंग बड़ी मस्त लग रही है यार, टॉफी शेप में कितना क्यूट सा लग रहा है यार ये, एक तो बेबी पिंक कलर कितना क्यूट सा लग रहा है। तो यार इसको तो मेरा ओपन करने का मन ही नहीं कर रहा यार, कितना प्यारा लग रहा है। आई थिंक ये ग्लास है, मग भी हो सकता है, तो ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। बहुत ही क्यूट लग रहा है यार मुझे, अब यहाँ पर कुछ लग रहा है ना इसके अंदर बॉर्डर्स वगैरह होंगी, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। बड़ा पट जाओ जाओ जाओ। ओके तो इधर से तो ये ओपन हो चुका है, अब खोलते हैं हम इधर से। यार ये मग लग रहा है मुझे। ओके वाओ यार कितना क्यूट है सच में। इसके अंदर बॉर्डर्स है, मैंने आपको बोला था ना इसके अंदर बॉर्डर्स है, और कुछ ग्लिटर्स वगैरह भी डाले हुए हैं गाइस, आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्लिटर्स वगैरह भी डाले हुए हैं। तो बॉटल्स है इसके अंदर, क्यूट सी बॉटल्स यार, आप देख सकते हो मिनी बॉटल्स कितनी क्यूट है। इसको ओपन करके देखते हैं, आई थिंक इसके अंदर कुछ मैसेज लिखा हुआ है गाइस। तो क्यूट सी बॉटल्स है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बॉटल्स है गाइस इसके अंदर, जिसके अंदर मैसेजेस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ओपन करके इसके अंदर क्या होने वाला है। आई थिंक इसके अंदर भी कुछ है, आप देख सकते हो। तो ये थी क्यूट सी बॉटल्स, एंड नेक्स्ट हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या होगा। बॉटल्स देखो कितनी प्यारी, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी क्यूट सी बॉटल्स हैं, और इसके अंदर एक छोटे से मैसेजेस लिखे हुए हैं गाइस, तो माय डियर फ्रेंड। तो ये क्यूट सी बॉटल्स यार मुझे बहुत अच्छी लगी सच्ची में, बहुत प्यारी हैं ऐसी बॉटल्स। तो ऐसी इसके अंदर से निकली हैं 6 बॉटल्स थी, और उसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर अभी क्या है, इसके अंदर कुछ और भी है गाइस। ओ माय गॉड, तो यार आप ग्लास देख सकते हो कितना प्यारा ग्लास है, इसके अंदर ग्लिटर्स डाले हुए हैं, और ग्लास आप देख सकते हो नीचे फ्लावर है ना वो मूव कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके अंदर फ्लावर है, मुझे बहुत प्यारा लगा यार। एंड नेक्स्ट इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। यार ये पैकेजिंग बड़ी की हुई है सच्ची में। और तो सबसे पहले इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्यूट से बाउल से छोटे छोटे, तो इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या होगा। ओ माय गॉड ये क्या है, रबर बैंड यार, मुझे लगा ये फ्लरी सा क्या है इसके अंदर। ओके तो इसके अंदर है 2 रबर बैंड्स, आप देख सकते हो फ्लफर वाले रबर बैंड्स है यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे रबर बैंड्स, तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड। तो इसके अंदर थे 2 रबर बैंड्स गाइस, ऑनेस्टली बताऊँ मैं इसको देख के डर गई थी एक बार तो, कि ये क्या डाला हुआ है इसके अंदर, आपको भी लग रहा है ना अजीब सा, पता नहीं क्या डाला हुआ है। तो इसके अंदर थे रबर बैंड्स, तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, तो इसमें है ब्रेसलेट यार, इतना छोटा मुझे आ जाएगा, मैं इतनी छोटी बच्ची लगती हूँ आपको, बहुत ही छोटा लग रहा है यार मुझे। वेट अ मिनट, मैं इसको वियर करके देखती हूँ। ओके बड़ा हो गया, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा ब्रेसलेट है गाइस, मैं इसको वियर करके देखती हूँ मुझे आएगा या नहीं, आ जाएगा यार। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल से कैजुअल से होते हैं गाइस, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, जो ज़्यादा ब्रॉड से होते हैं ना मुझे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो ये गिफ्ट मुझे बहुत प्यारा लगा, थैंक यू डियर। और नेक्स्ट हम ओपन करके देखते हैं ये वाला गिफ्ट, तो इसके अंदर क्या होगा। तो इसकी पैकेजिंग भी बड़ी मस्त लग रही है यार, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग लग रही है इसके ऊपर, पता नहीं ये क्या लगा हुआ है, आई थिंक। तो इसके ऊपर ये माला वगैरह पता नहीं क्या है गाइस, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। सारे गिफ्ट ही बहुत अच्छे से पैक किए हुए हैं, मुझे सारे गिफ्ट बहुत अच्छे लगे। अब इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। यार गॉड वाओ यार कितना प्यारा गिफ्ट है, मुझे बड़ा प्यारा लगा यार, कितना क्यूट सा गिफ्ट है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कप्स दिए हुए हैं विद स्पून, और प्लेट भी है आई थिंक, यस इसके अंदर छोटी छोटी प्लेट्स भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ये क्यूट सा बेबी पिंक कलर के मग कितने प्यारे हैं यार, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है सच्ची, मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना प्यारा आप देख सकती हो यार। 2 मग है इसके अंदर, स्पूंस है विद प्लेट्स, पूरा सेट है कंप्लीट, बहुत प्यारा गिफ्ट था यार। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, गिफ्ट सारे ही बहुत अच्छे हैं, मेरी फ्रेंड्स इतने प्यार से लेके आई हैं, सारे गिफ्ट बहुत अच्छे थे गाइस आज के, बहुत अच्छे लगे मुझे सच में। और ये था नेक्स्ट गिफ्ट, मुझे ये भी बहुत प्यारा लगा, तो यार ओपन किए बिना तो मैं रहूँगी नहीं, एक हम निकाल के देखते हैं इसमें से।
ओके वाओ ओह माय गॉड, आप देख सकते हो यार इसके ऊपर कितने स्वीट से कपल बने हुए हैं। वो है इसके ऊपर कितना स्वीट से यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों यार। इधर है एक प्लेट, तो यार ये इसके अंदर फिक्स किया हुआ है अभी। और ये था मेरा नेक्स्ट गिफ्ट प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके, मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगे यार, बेबी पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, तो बहुत प्यारा गिफ्ट था यार। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स ने मुझे ये गिफ्ट भेजे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना यार क्या कर रहे हो आप, जल्दी कमेंट करके बताते रहो, साथ साथ में आपको कैसे लग रहे हैं यार मेरे गिफ्ट। तो गाइज इसमें है ईयरिंग्स, ओह माय गॉड, मैं ऐसे ही डर रही थी कि इसके अंदर कुछ ऐसा वैसा ना हो, तो इसको ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें है ईयरिंग्स, ओके तो यार कितने अच्छे लगते हैं गिफ्ट, हमारे फ्रेंड्स कितना करते हैं हमारे लिए ईयरिंग्स। यार कितने ज़्यादा प्यारे ईयरिंग्स है गाइज, कलर कितना प्यारा है, मतलब बहुत अच्छे लगे मुझे, आप देख सकते हो कितने प्यारे हैं यार, पूरे हैवी ईयरिंग्स है। और आपको पता है मैं इतने हैवी बहुत ही ज़्यादा कम पहनती हूँ गाइज, बहुत अच्छा गिफ्ट है यार, बहुत हैवी वेट है इनका, लाइट से बिल्कुल भी नहीं, बहुत हैवी है यार, मुझे पता नहीं मैं इनको वियर भी कर पाऊँगी या नहीं, मैं इतना हैवी कुछ ज़्यादा वियर ही नहीं कर सकती। तो यार ये देख सकते हो आप कितने प्यारे ईयरिंग्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये गिफ्ट भी बहुत प्यारा है सच्ची में, अब पता नहीं मैं इनको पहन पाऊँगी या नहीं, बट बहुत प्यारे गाइज, बहुत ही अच्छे ईयरिंग्स हैं, आई लव इट रियली गाइज। तो नेक्स्ट मेरी फ्रेंड ने दिया है मुझे ये वाला गिफ्ट, तो यार मुझे नहीं पता ये क्या है यार, इसको रैप कैसे किया हुआ मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही, आपको लग रहा है इसके अंदर क्या होगा, ये तो मुझे कुछ कैंडीज वगैरह हो सकती है यार इसके अंदर, ये क्या हो सकता है यार, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है इसके अंदर हैंकी वगैरह होगी, वैसे तो यार ऐसे पाउच में कैंडी नहीं आती, आई थिंक कैंडीज आती हैं, बट एक ओपन करके देखते हैं, सबसे पहले ये ओपन करके देखते हैं इसमें क्या होगा, कैसे ओपन होगा यार, मुझे तो हैंकी वगैरह लग रही है, टॉप तो इसके अंदर फिट आने वाला नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ सच में ये गिफ्ट ओपन करने के लिए, और अभी तक मैंने कोई भी गिफ्ट ओपन नहीं किया था बिकॉज मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी इसकी। तो इसके अंदर ये क्या है, तो गाइज ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि क्या होगा इसके अंदर गाइज, आई एम रियली सॉरी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, स्टूपिड है यार बिल्कुल ही स्टूपिड है सच में। तो गाइज सॉरी मैं ये गिफ्ट आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, सारे गिफ्ट की मैंने अनबॉक्सिंग की है आपके सामने, बट सॉरी गाइज ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी यार प्लीज़। एंड क्यूटीज नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला गिफ्ट, तो इसके अंदर है ड्रेस, एंड मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ ये मैं पहले ओपन कर चुकी हूँ बिकॉज यार ड्रेस देखकर तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता, एंड मेरी फ्रेंड ने बोला था कि बर्थडे पर इसको ज़रूर वियर करना है, तो ये मैंने ओपन कर ली थी गाइस। तो इसके अंदर बहुत ही प्यारी ड्रेस है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छी ड्रेस है गाइस, इसको मैं वियर कर चुकी हूँ, मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता यार ड्रेसेस देखकर, तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही प्यारी ड्रेस है गाइस, ये वन पीस है बिल्कुल समर्स के लिए, बहुत ही प्यारी ड्रेस है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशंस इसके बहुत अच्छे हैं, और इसका नेक डिज़ाइन बहुत अच्छा है आप देख सकते हो, इसका कलर बहुत प्यारा है गाइस, और पूरा वन पीस है, बहुत प्यारी ड्रेस है यार, मैं आपको वियर करके दिखाऊंगी इसका पूरा लुक कैसा होगा, इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और यार ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की है, और मैंने बर्थडे पर ये ड्रेस वियर भी करी है, मुझे कुछ भी ऑल्ट्रेशन वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल फिट आई है मुझे ये ड्रेस, बहुत अच्छी यार बहुत प्यारी लगी मुझे ये ड्रेस, जब मैंने वियर किया, वियर करने में इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है गाइस, मतलब कुछ भी आपको इसके साथ वियर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम्फर्टेबल सा वन पीस है, एंड इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगे, मैं आपको वियर करके दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक कैसा होता है। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा लास्ट गिफ्ट, तो गाइस इसको मैं ओपन कर चुकी हूँ, बस दो ही गिफ्ट यार मैं ओपन कर चुकी हूँ, तो इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी गाइस, बिकॉज यार ये रिक्वेस्टेड गिफ्ट थे इन दोनों गिफ्ट के लिए, मुझे इसने बोला था कि प्लीज इसको ओपन आज ही करना है, आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या दिया है, तो इसको ओपन करते हैं गाइस, वैसे मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या होने वाला है।
एंड इसके अंदर उसने मुझे दिया है, आप गैस कर सकते हो, इसके अंदर मेरी पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये कंप्लीट कलाज। तो यार इसको मैं ओपन कर चुकी थी ऑलरेडी, बिकॉज यार उसने बहुत फोर्स किया मुझे कि ओपन करो इसको, तो मैंने ओपन कर लिया। और अब आप देख सकते हो ये गिफ्ट। वाओ यार मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट लगा यार सच में, कि ये है वो नेक्स्ट गिफ्ट। इसके अंदर मेरी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, मतलब एक कोलाज उसने मुझे बना के गिफ्ट किया है। यार मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला गिफ्ट, मतलब उसने अपनी फेवरेट पिक्स इसके अंदर लगवा के दी हैं मुझे। तो आप मुझे ज़रूर बताना आपको इन सारी पिक्स में से कौन सी पिक सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट मुझे सारी अच्छी लग रही है यार। मतलब गिफ्ट कैसा भी हो यार बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके फ्रेंड्स आपको प्यार से कुछ भी गिफ्ट करते हैं यार, वो बहुत अच्छे गिफ्ट्स होते हैं यार। मुझे बहुत प्यारी लग रही है अपनी पिक्चर्स इसके अंदर, तो मैं इसको अपने रूम में लगाऊंगी यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। ओके गाइस, तो ये थे मेरे बर्थडे गिफ्ट, सारे गिफ्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। और लास्ट टू जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो मैं ओपन कर चुकी थी, बट यार वो बस बहुत ज़्यादा यार रिक्वेस्ट करी तो मुझे ओपन करना पड़ा, बट बाकी सारे गिफ्ट मैंने आपके सामने ओपन किए हैं। तो यार मुझे सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे यार, बहुत अच्छे लगे, मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यार मेरे फ्रेंड्स मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप सब मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे और क्या चाहिए यार। मैं बहुत खुश हूँ इन सब गिफ्ट्स को ओपन करके। गाइस आपको मेरे ये क्यूट से गिफ्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में मैं जिन पर्सन्स को शाउटआउट करने वाली हूँ, उन पर्सन्स के नेम है पल्लवी, जसविंदर एंड अवंतिका। द शाउटआउट टू यू गाइस। और अगर आप सब भी चाहते हो मैं आने वाली वीडियोस में किसी भी 3 पर्सन्स को शाउटआउट करूँ, तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करना है। और मैं आने वाली वीडियो में किसी भी 3 पर्सन्स को शाउटआउट करती रहूँगी। मैं प्रियंका आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।